किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त मोर्चा ने पुराने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर से मैदान संभाला है। किसान आंदोलन के 7 माह बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त मोर्चा के द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट के पास धरना देकर उनके समर्थन में राष्ट्रपति के नाम बड़वानी एसडीएम को करंजा चौराहे पर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की है कि तीनों कृषि बिलों को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एसडीएम घनश्याम धनगर के मुताबिक जो ज्ञापन दिया है उसे उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को भिजवाया जाएगा। आज विभिन्न मोर्चों के द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को यह दिया हुआ है, उचित माध्यम से इसको भिजवाया जाएगा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई ने आरोप लगाया है कि अडानी और अंबानी के फायदे के लिए यह काले कानून पास किए गए हैं। बड़वानी में संयुक्त मोर्चा ने जो धरना प्रदर्शन किया है वह दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में किया गया है। आज आप जैसे कि जानते हैं कि किसान आंदोलन लगभग 7 महीने से ऊपर हो गया है और केंद्र सरकार जो 3 काले कानून पास किए हैं उसको वापस नहीं ले रही है और जो कानून आए हैं वो किसानों की उस पर कोई बिल्कुल एकमत राय नहीं है। किसान उन कानूनों को चाहता नहीं है। किसान MSP की गारंटी चाहता है और किसान जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू करवाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों की उपज का दुगना भाव करेंगे। वो चीज़ तो करी नहीं और उन्होंने अडानी और अंबानी के फायदे के लिए जो ये काले कानून पास किए हैं उसके विरोध में पूरे देश भर में लगातार 7 महीने से आंदोलन हो रहे हैं। और आज जो ये बड़वानी जिला मुख्यालय पर संयुक्त मोर्चे ने जो आंदोलन किया वो जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उनके समर्थन में और काले कानून वापस लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहरहाल देखा जाए तो एक बार फिर से किसान आंदोलन के समर्थन में मैदान संभाल लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज बड़वानी। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।